मूवी के शुरू में हम लोग कैमिल बेकर को देख पाते हैं। वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और वो माइथोलॉजी पढ़ाती है। उसी यूनिवर्सिटी के फेलो प्रोफेसर मार्टिन के साथ वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है। एक दिन कैमिल उसके डॉग को अपने साथ यूनिवर्सिटी में ले आती है। क्लास खत्म होने के बाद वो अपने केबिन में जाके देखती है उसका डॉग उधर नहीं है। वो उसे ढूंढने निकलती है। कुछ देर ढूंढने के बाद कैमिल को उसका डेड बॉडी मिलता है। वो बहुत अपसेट हो जाती है। वो रोते रोते उसे उठा के घर ले आती है और फ्रिज में रख देती है। अगले सीन में हम उसे लॉन्ड्री में देख पाते हैं। उधर भी वो रो रही थी, तब पेट्रा आके उसे संभालती है। वो उसे कंफर्ट करती है और उसका कपड़े धोने में भी मदद करती है। घर आके कैमिल देखती है उसके कपड़े पेट्रा के कपड़े के साथ एक्सचेंज हो चुके हैं। कपड़े के साथ उसे पेट्रा के विजिटिंग कार्ड भी मिलता है। उसमें एक सर्कस का एड्रेस दिया हुआ है, तो कपड़े वापस करने वो उसी एड्रेस पे जाती है। पेट्रा इसी सर्कस पे काम करती है। वो कैमिल को उसके ट्रेलर पे लाके ड्रिंक ऑफर करती है। फिर कहती है उसने उस दिन जानबूझ के कपड़े एक्सचेंज किए थे, क्योंकि वो कैमिल से दोबारा मिलना चाहती थी। पहली बार देखते ही उसे कैमिल से प्यार हो गया था। वो कैमिल के साथ इंटीमेट होना चाहती है। कैमिल को इस पे क्या रिएक्ट करना चाहिए वो उसे समझ में नहीं आता। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड एंड अनकंफर्टेबल फील करती है। वो जल्दी से अपने कपड़े लेके वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन पेट्रा कैमिल को ढूंढ लेती है। वो एक एरो के थ्रू कैमिल के रूम में खुद की एक फ़ोटो और उस पे अपना फ़ोन नंबर लिख के भेजती है। कैमिल उसे अंदर बुलाती है और पूछती है तुमने मुझे ढूंढा कैसे। पेट्रा सेज इतने बड़े शहर में तुम्हें ढूंढना मुश्किल तो था, पर फाइनली तुम मिल ही गई। इससे कैमिल बहुत इम्प्रेस होती है और दोनों पहली बार किस करते हैं। लेकिन कैमिल को लगता है ये गलत है, वो मार्टिन को धोखा नहीं दे सकती, तो वो वहाँ से निकल जाती है। पर पेट्रा भी उसके पीछे जाती है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के नए चैपलिन की जिम्मेदारी मार्टिन और कैमिल को मिलने वाला है, इसलिए इन दोनों को ग्रूम किया जा रहा है। और मैनेजमेंट चाहते हैं चैपलिन बनने से पहले इन दोनों की शादी हो जाए। इंटरव्यू के दौरान कैमिल से पूछा जाता है होमोसेक्सुअलिटी को लेकर वो क्या सोचती है। कैमिल कहती है उसे नहीं लगता होमोसेक्सुअलिटी कोई बुरी चीज़ है या फिर ये कोई पाप है, ये तो लोगों की अपनी अपनी चॉइस है। देन उससे पूछा जाता है अगर कोई मेल स्टूडेंट आके उससे कहे कि वो एक दूसरे मेल स्टूडेंट को पसंद करता है, तब वो उसे क्या एडवाइस देगी। कैमिल इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती। मार्टिन को लगता है कैमिल उन दोनों की शादी को लेकर परेशान है, इसलिए वो ऐसी बिहेव कर रही है। मार्टिन इस सिचुएशन को संभाल लेता है। इंटरव्यू के बाद ये दोनों कैमिल के ऑफिस में उनकी शादी को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तब कैमिल विंडो से देखती है बाहर पेट्रा तब भी उसका वेट कर रही है। इसके बाद वो पेट्रा से मिलने जाती है और कहती है वो और पेट्रा सिर्फ फ्रेंड बन सकते हैं और वो किस सिर्फ एक मिस्टेक थी। देन पेट्रा उसे उसके साथ घूमने जाने के लिए इंसिस्ट करती है। वो उसे हैंग ग्लाइडिंग करने ले जाती है। कैमिल मना करती तो पेट्रा कहती है द नाइट इज फॉलिंग एंड दे विल मिस देयर चांस इफ दे डोंट हरी। हैंग ग्लाइडिंग करते टाइम कैमिल के घुटनों पे चोट पहुंचती है। पेट्रा उसे उठाकर घर ले आती है और उसे मसाज करती है। लेकिन मसाज करते करते पेट्रा खुद के और कैमिल के कपड़े उतारने लगती है। दोनों इंटीमेट होने ही वाली थी कि तभी यूनिवर्सिटी के प्रेजेंट चैपलिन कैमिल से मिलने आते हैं। कैमिल उनसे पेट्रा को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है पेट्रा एक डिस्टर्ब्ड स्ट्रीट किड है और कैमिल उसकी मदद कर रही है। इस बात पे पेट्रा को गुस्सा आता है, तो वो कैमिल के घर से चली जाती है। देन कैमिल मार्टिन से मिलने उसके घर जाती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सुबह मार्टिन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने शहर से बाहर जाता है। तब कैमिल खुद को रोक नहीं पाती, वो पेट्रा के बारे में ही सिर्फ सोचती है। फाइनली वो उससे मिलने सर्कस में जाती है और फर्स्ट टाइम वो दोनों इंटीमेट होती हैं। लेकिन कैमिल को समझ में नहीं आता उसे कौन सी रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी चाहिए, इसलिए वो यूनिवर्सिटी के चैपलिन के पास जाके उन्हें सब कुछ कहती है और उनसे गाइडेंस मांगती है। इसके बाद वो फिर से पेट्रा से मिलने सर्कस जाती है। उधर सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें सर्कमस्टांस नाम के एक फेस्टिवल का इनविटेशन मिला है। इस फेस्टिवल में परफॉर्म करना हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है। पेट्रा कैमिल के साथ सबके सामने बोल्ड वे में डांस करने लगती है। इससे कैमिल थोड़ा अपसेट होती है, लेकिन पेट्रा उसे मना लेती है। अब कैमिल और पेट्रा रिलेशनशिप में है और दो दिन बाद पेट्रा को सर्कस ग्रुप के साथ उस फेस्टिवल के लिए निकल जाना होगा। कैमिल पेट्रा को खोना नहीं चाहती। उसके साथ रहने के लिए वो प्रोफेसर का जॉब छोड़कर सर्कस ज्वाइन करना चाहती है। इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट होती है।
इस बार ये दोनों और भी पैशनेटली करते हैं। कैमिल कहती है मार्टिन उसे कभी इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाया जितना पेट्रा उसे सेटिस्फाई करती है। मीनवेल मार्टिन उसके ट्रिप खत्म करके वापस आता है। वो कैमिल से मिलने उसके घर जाता है, पर उधर कैमिल नहीं थी क्योंकि वो तो लास्ट नाइट से पेट्रा के साथ उसके ट्रेलर में है। मार्टिन को पेट्रा की फोटो और फोन नंबर मिलता है। वो कैमिल को ढूंढते हुए सर्कस पे पहुंच जाता है। उधर ट्रेलर में उन दोनों को एक साथ नेकेड देखकर वो समझ जाता है यहाँ पे क्या चल रहा है। कुछ देर बाद कैमिल चली जाती है। मार्टिन उसे देखकर छुप जाता है, उसके सामने नहीं आता। फिर वो पेट्रा से मिलता है और कहता है वो कैमिल का फियांसे है। ये कह के वो निकल जाता है और ट्रेलर पे एक पंच मारता है जिससे पेट्रा बहुत ही डर जाती है। दूसरी तरफ कैमिल घर वापस आती है और वो डिसाइड करती है कि वो मार्टिन से ब्रेकअप कर लेगी। बट घर पहुंच के वो सरप्राइज्ड होती है क्योंकि मार्टिन वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसके सामने कैमिल का डॉग टेबल पे रखा था। कैमिल ने आज तक उसे फ्रिज में ही रख दिया था, उसे दफनाया नहीं था। मार्टिन उसे दफनाने बोलता है। दिन वो कहता है कैमिल और वो एक गुड रिलेशनशिप में है और उन दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन आए और उनका रिलेशन टूट जाए ऐसा वो नहीं चाहता। इसलिए कैमिल जो भी फर्दर स्टेप लेगी उससे पहले उसे अच्छे से सोचना चाहिए। पेट्रा के ऊपर जो उसका अट्रैक्शन है वो कुछ दिन बाद चला जाएगा और तब उसे मार्टिन के पास ही वापस आना होगा। ये कहकर मार्टिन वहाँ से चला जाता है। कैमिल इस मैटर को लेकर बहुत सोचती है। वो पेट्रा के साथ खुश है, वो उसके साथ रहना चाहती है, पर ये समाज इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फाइनली वो उसके डॉग को दफनाने जाती है। उसे दफना के उधर ही बैठ के वो ड्रिंक करने लगती है, देन उसके पास ही सो जाती है। पेट्रा के दोस्त जो हैंग ग्लाइडर्स हैं वो लोग वहाँ से जा रहे थे। वो लोग कैमिल को देख पाते हैं। उसे इस हालत में देख कर वो लोग पेट्रा को इन्फॉर्म हैं। एज सुन एज पॉसिबल पेट्रा वहाँ पे पहुँच जाती है। वो खुद को कैमिल के साथ रैप करके उसे गर्म करने की कोशिश करती है। फॉर्चुनेटली कुछ घंटे बाद कैमिल को होश आता है। उसके पास पेट्रा को देखकर वो बहुत खुश होती है। उसे अब किसी का डर नहीं, वो पेट्रा के साथ रह सकती है, इतनी हिम्मत है अब उसमें। फाइनली कैमिल भी सर्कस ज्वाइन कर लेती है और दोनों एक साथ सर्कमस्टांस के लिए निकल पड़ते हैं। इसी के साथ मूवी पे ख़त्म हो जाती है।